आरएमएस की तरफ से एक मैसेज आ जाता कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों की एक साल से आरएमएस की तैयारी करवा रहे हैं, बट यहाँ पर पीआरई हो रखा है। साइक्लोन आया था अभी साउथ इंडिया में, चेन्नई में, बैंगलोर वाले एरिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। ओके, या आरएमएस की तरफ से अगर वो नोटिफाई कर लेते अपने वेबसाइट में कि ड्यू टू, ये भी कहना था कि हम क्यों ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएं जहाँ पर सिलेबस ही फिक्स नहीं है, यहाँ पर मैथ्स में। ओके, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आरएमएस के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एक्चुअली पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान है कि उनका आरएमएस का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम एकदम सर पर है, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है और अभी तक बच्चों के पास उनके एडमिट कार्ड्स नहीं आए, उनको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में आइडिया भी नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सूरज आर्या और मैं हूँ एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फीलिंग भी अपनी शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर उस फीलिंग से एग्री करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, जो भी प्रॉब्लम हो आरएमएस की तरफ से, अभी बीच में आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड्स डाउनलोड प्रॉपर्ली हो रहे थे, उससे पहले एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं हो रहे थे। ओके, मेरा ये मानना है कि आरएमएस को कहीं ना कहीं इंटीमेशन देना चाहिए, अपनी वेबसाइट में वो दे सकता है, कोई लिंक अपडेट कर सकता है, एक नोटिस दे सकता है कि ड्यू टू सम रीजंस, वो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हम समझते हैं कि साइक्लोन आया था अभी साउथ इंडिया में, चेन्नई में, बैंगलोर वाले एरिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनेट सुविधाएं थोड़ी सी बिगड़ी हैं उससे, हम वो सारी बातें समझते हैं। लेकिन आरएमएस को भी ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों की एक साल से आरएमएस की तैयारी करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो एफर्ट्स बच्चों के ऊपर लगाए हैं, उनकी स्कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उनके गेम्स के साथ, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और इस लेवल पे अगर कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं होंगे तो ये जायज़ है या इट्स वेरी नेचुरल कि पेरेंट्स पैनिक होंगे इस लास्ट मोमेंट में, और वो हो रहे हैं। ओके, अगर आरएमएस की तरफ से एक मैसेज आ जाता, ओके, या आरएमएस की तरफ से अगर वो नोटिफाई कर लेते अपने वेबसाइट में कि ड्यू टू सम रीजंस हमारा अभी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क कर नहीं रही है और उसके वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, या आपको टाइमली मिल जाएंगे, या कोई और अल्टरनेट जिसके थ्रू पेरेंट्स के पास उनका एडमिट कार्ड्स पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होता आरएमएस की तरफ से और पेरेंट्स का जो विश्वास है ऐसे स्कूल्स पे ये और भी बढ़ जाता। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो देखिए बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरएमएस को या जो भी डिफेंस बेस्ड स्कूल्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। ओके, अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाएं या इन स्कूल्स को ज्वाइन करें। ओके, क्योंकि पेरेंट्स इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़ है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आरएमसी के ऊपर भी, जहाँ पर आरएमसी की भी तरफ से हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखी। जिस तरीके का पेपर आरएमसी ने सेट किया था मैथ्स का, बिना प्रायर सिलेबस के बारे में बताए, तो वो भी एक तरीके का इररिस्पॉन्सिबल एक्ट आरएमसी की तरफ से देखने को मिला। उसमें भी पेरेंट्स काफ़ी गुस्सा है। कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि हम क्यों ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएं जहां पर सिलेबस ही फिक्स नहीं है, यहां पर मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, तो वही बात अब आरएमएस के साथ भी देखी जा रही है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वन ऑफ आवर स्टूडेंट की जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर ये जो मेल आईडी आप देखोगे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जूम करके आप लोग के लिए रखी है, और जो मैसेज आ रहा है एंड द मैसेज दे हैव गॉट फ्रॉम दिस टेक्नोमैक्स टीम, उसमें जो मेल आईडी है वो देखिए, उसमें पी आर ई है और यहाँ पर पी आर ए है। इसके वजह से भी काफ़ी पेरेंट्स ये भी कन्फ्यूज हैं कि कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त तो उनसे कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि वो लोग उनको पासवर्ड वो रिकवर कर रहे हैं तो उनके पास मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि कहीं यार मेल नहीं आ रहे, हमें मैसेज नहीं आ रहा, तो ये भी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आरएमएस की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए फॉर्म में तो प्रॉपर नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है मेल आईडी में, बट यहाँ पर पीआरई हो रखा है, ठीक है। तो क्रेडेंशियल्स प्रॉपर डालने के बावजूद भी ये जो आरएमएस की टीम है उसकी तरफ से ये गलती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी काफ़ी पैनिक कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन को देखते हुए ऐसे जब मैसेज पेरेंट्स के पास आ रहे हैं जहाँ पर उनको समझ में आ रहा है कि इनकी तो मेल आईडी गलत इसमें मेंशन करी हुई है, तो उनको ये भी एक रीज़न लग रहा है कि तभी हमारे पास मैसेज नहीं आ पा रहा है या तभी हमारे पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं आ रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो पेरेंट्स अभी फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये तो मैंने आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे हमारी
जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी काफ़ी उन्हें पेरेंट्स ने मैसेज करे हैं, सर मेल आईडी पर पासवर्ड नहीं आ रहा है, आरएमएस की साइट से पासवर्ड नहीं है और फॉरगॉट पासवर्ड करने पर भी कोई ओटीपी या डिटेल्स नहीं भेज रहे हैं, समाधान क्या है? ठीक है, तो पेरेंट्स बहुत पैनिक कर रहे हैं इस सिचुएशन में, मैंने जैसे कि बताया था। तो आरएमएस को अकाउंटेबल इसके लिए होना चाहिए, ठीक है? और कितने पेरेंट्स इस बात से मेरे एग्री करते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट में आरएमएस लिख सकते हैं या कुछ भी आप लिख कर मुझे कमेंट करके बताइए कितने पेरेंट्स एग्री करते हैं कि जितने भी डिफेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनको हम लोगों के प्रति, क्योंकि देखिए हम ही अपने बच्चे आरएमएस आरएमसी सैनिक स्कूल में डाल रहे हैं और बेसिकली हम लोगों ने कहीं ना कहीं इतने फॉर्म्स भरे हैं, इसके एक स्पेसिफिक फ़ी हम लोगों ने भरी हुई है, ठीक है? बच्चे को हम लोग उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। इतना भरोसा है हमें इन स्कूल्स पर कि कहीं ना कहीं ये बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनकी भी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, ओके? क्योंकि उन्हीं के एडमिशन्स के वजह से ही तो वो फंड्स इकट्ठा हो रहे हैं जिनके वजह से स्कूल्स चल पा रहे हैं, ठीक है? फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके? तो ये सारे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, ओके? तो मेरी भी ये दरख्वास्त है पर्सनल, अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आरएमएस तक पहुंचे, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आरएमएस तक ये वीडियो पहुंच जाए या कंसर्न अथॉरिटी तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो मेरा ये कहना है, मुझे पता है कि अथॉरिटी इसमें काम करेगी, जैसे कि अभी किया था काम, जैसे कि एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड नहीं हो रहे थे, मुझे मालूम है कि अथॉरिटी काम करेगी, लेकिन एक जनता तक मैसेज पहुंचाना तो इम्पॉर्टेंट है ना, ताकि जनता का जो वो पैनिक, जो जनता पैनिक कर रही है वो पैनिक ना करे और उनको आश्वासन दे कि आपके एडमिट कार्ड्स आपको आपके पास तक पहुँच जाएंगे, ठीक है? अब क्योंकि हम लोग सिविल बैकग्राउंड से हैं, वी आर नॉट फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो इसका सोल्यूशन अब क्या है? क्योंकि हम लोग अगर आरएमएस से संपर्क करें तो कोई संपर्क हमारा आरएमएस से हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली एक हमारे मित्र हैं कर्नल अमरदीप, उनका उनका जो डेफिनेटली उनका अपना सर्किल होता है, सारे जितने भी आर्मी में ऑफिसर्स हैं, कुछ ऑफिसर्स दे आर प्रिंसिपल ऑल्सो एट आरएमएस, ठीक है? तो उनका कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन तो रहता ही है लेटर स्टेजेस में आफ्टर रिटायरमेंट। तो उनसे मेरी बात हुई और उनसे मैंने उनको मैंने बताया कि पेरेंट्स दे आर बेसिकली बहुत डरे हुए हैं, पैनिक कर रहे हैं अभी इस लास्ट स्टेज में। तो उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है कि आप एक काम करें, ठीक है? अब बात करते हैं सोल्यूशन पे, आप क्या करें, ठीक है? एक मेल करेंगे आप, उसमें आप बच्चे की सारी क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपको बच्चे का जो जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो बच्चे का पासवर्ड है वो आपको मैसेज में नहीं आ रहा है, या जिस बच्चे का फॉर्म रिजेक्टेड आ रहा है डिटेल्स डालने के बाद, दे आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, दे आर गेटिंग द पासवर्ड, लेकिन जब वो डाल रहे हैं डिटेल्स तो फॉर्म रिजेक्टेड आ रहा है, ठीक है? तो जो जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, आप क्या करें, पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप मेल करेंगे, दो मैंने मेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है, आप मेल में जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में लिखें, ओके? यू आर अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑफ अवर वार्ड, डिटेल्स आर गिवन बिलो, डिटेल्स में क्या क्या डाल सकते हैं, बच्चे का नाम इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने किस क्लास के लिए ऑप्ट किया था आरएमएस में वो क्लास डाल दीजिएगा, उसके बाद बच्चे का एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। अब कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं, सर हमारे पास एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड किया था वो मिसिंग है, खो गया है। तो अगर आपके एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो जो वैलिड मेल आईडी है वो डालिए, ठीक है? और उसको मेंशन भी कीजिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो जो वैलिड मेल आईडी है वो डालिए, साथ ही साथ जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो सारी डिटेल्स डालिए, ओके? और नीचे ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, जिस मेल आईडी में आप अपना एडमिट कार्ड चाहते हैं। तो ये सारे क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आप आरएमएस ज्वाइनिंग लेटर एट द रेट जीमेल डॉट कॉम या आरएमएस बेंगलुरु एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, दोनों में आप मेल करें इन क्रेडेंशियल्स को डालकर। और ऐसा उन कर्नल साहब का कहना था कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके एडमिट कार्ड्स बाई मेल आ जाएंगे, और ऐसे काफ़ी पेरेंट्स ने किया है, उनको मिले भी हैं। तो मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि अगर आप ये जो प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे और अगर आपके एडमिट कार्ड्स आपको मेल के थ्रू भेजे जा रहे हैं बाय आरएमएस, ओके, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा ताकि हम लोग संतुष्ट हो जाएं। और ये जो कार्रवाई है इसके लिए समय हमारे पास कम है, मैं चाहता हूँ कि 15 से पहले पहले सभी पेरेंट्स जो परेशान हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स उनके रिस्पेक्टिव मेल आईडीज में आरएमएस भेज दें, ठीक है? तो ये एक तरीका है। अब ये तरीका कितना सफल है तभी पता चलेगा जब पेरेंट्स इस तरीके को अपनाएंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमें प्रॉपर फीडबैक देंगे कमेंट्स के थ्रू, ओके? सो दिस इज़ द सोल्यूशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेल जाएगी, ठीक है? दिस इज़ द मेल आईडीज़, दिस आर 2 मेल आईडीज़, ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या आपका फॉर्म रिजेक्टेड आ रहा है
ये सारे क्रेडेंशियल्स बच्चों के डाल दीजिएगा, नेम, क्लास, एप्लीकेशन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल, एवरीथिंग। और नीचे प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कि आपका वो एडमिट कार्ड इस रिस्पेक्टिव मेल आईडी में भेज दें, ठीक है। और ये करेंगे तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर आपको आपका एडमिट कार्ड रिस्पेक्टिव आपकी मेल आईडीज में मेल कर दिया जाएगा। और अगर आपको मेल आईडी में अपने रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स मिलते हैं तो आप ज़रूर हमें इंटीमेट करेंगे, कमेंट्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिएगा। वैसे मैं बच्चों के साथ डिस्कस भी करता हूँ, दीज आर आर नंबर्स, ठीक है। फील फ्री टू कॉल इन दिस गिवन नंबर्स, ओके। और हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी जो अपडेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं या जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं वो पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।